गर्मियों में बालों में ऑयल अप्लाई करने के बाद बालों में चिपचिपाहट होती है, हैवीनेस होती है, जिसकी वजह से हेडेक क्रिएट होता है। तो इसीलिए हम गर्मियों में ऑयलिंग करने से कतराते हैं। लेकिन अगर आप ऑयल अप्लाई नहीं करोगे तो हेयर फॉल होगा, हेयर ग्रोथ नहीं होगी, स्कैल्प में बालों में ड्राइनेस हो जाएगी, स्कैल्प में डैंड्रफ हो सकता है, इसके साथ ही बाल बीच में से टूटते हैं। यानी बालों में सिर्फ ऑयलिंग ना करने से कई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो इसलिए आपको वीक में एक बार तो अपने बालों पे ऑयल अप्लाई ही करना है, चाहे सिर्फ एक घंटे के लिए ही रखें। लेकिन आप जो भी ऑयल अपने बालों पे अप्लाई करते हो हैवी ना हो, लाइक सरसों का तेल या फिर कैस्टर ऑयल को गर्मियों में अवॉइड करें। आप ऑलिव ऑयल, बादाम का ऑयल या फिर नारियल का तेल अपने बालों पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आज जो तेल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं बालों के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। इसमें वो सभी गुणवत्ता है जो कि आपकी हेयर ग्रोथ के लिए या फिर बालों को जड़ से मजबूत करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट भी जरूर करें। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा DIY हेयर ऑयल शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही लाइट वेटेड है, साथ ही आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। ये सिर्फ एक ऑयल आपको बालों की बहुत सारी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलवा सकता है। आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा, हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, डैंड्रफ को रिमूव करेगा, अगर बालों में ड्राइनेस है या फिर फंगल इन्फेक्शन है उसको भी क्योर करेगा, और बालों को हाइड्रेट भी करेगा, यानी कि बालों में मॉइस्चर को ऐड करेगा। ये एज अ कंडीशनर की तरह भी वर्क करेगा। तो इसको अप्लाई करने के बाद आपको कंडीशनर और सीरम अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अपने इस मैजिकल DIY हेयर ऑयल को बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें बेसिक ऑयल लेना है जो भी अपने बालों पे अप्लाई करते हो, चाहे वो कोकोनट ऑयल है, आलमंड ऑयल है या फिर ऑलिव ऑयल है। तो मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल ले रही हूँ क्योंकि मैं अपने बालों पे ज्यादातर कोकोनट ऑयल ही अप्लाई करती हूँ। उसके बाद हमें लेना है 10 से 12 लौंग एंड 10 से 12 काली मिर्च। नेक्स्ट मैंने लिया है ब्लैक तिल यानी कि ब्लैक सीसम, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है एलोवेरा जो कि आपके ड्राई, डैमेज, फ्रीजी बालों को रिपेयर करेगा और बालों को मैनेज करेगा। तो एक लीफ लेनी है, उसे अच्छे से वॉश करके और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कुछ करी लीव्स ली हैं जो कि आपकी हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सबको वॉश करके अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। एलोवेरा को छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से कट कर लेना है, और बाकी के जितने भी इंग्रेडिएंट हैं इन्हें आप अच्छे से तैयार करके रख लो। गर्मी में जब ज़्यादा पसीना निकलता है तो उसकी वजह से पिंपल एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, वो स्कैल्प में भी हो जाती है, एक्ने निकल आते हैं या फिर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है जो कि बहुत पेनिंग होता है। तो इनसे बचने के लिए मैंने इन इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया है, साथ में ये हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली, कढ़ाई में मैंने हाफ कप ऑयल को ऐड कर दिया है, जितना ऑयल आप प्रिपेयर करना चाहते हो। अगर आप पूरे समर के लिए यूज़ करना चाहते हो तो आपको एक कप या फिर हाफ कप लेना है। अगर आप वीक में एक या दो बार अप्लाई करते हो तो इतना बेनिफिशियल होगा। उसके बाद आपको एक एक करके सभी इंग्रेडिएंट को ऐड कर देना। सबसे पहले मैंने ब्लैक सीसम यानी तिल ऐड किया है जिसमें कैल्शियम होता है, उसके बाद मैंने लौंग एंड काली मिर्च ऐड किया जो कि फंगल इन्फेक्शन एंड एक्ने से प्रोटेक्ट करेगा, फिर मैंने इसमें करी लीव्स एंड एलोवेरा जेल ऐड कर दिया है, और लास्ट में मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ 1 टेबल स्पून नीम पाउडर। अगर आपके पास नीम लीव्स हैं यानी कि कच्ची नीम की पत्तियाँ हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हो, अगर नहीं है तो आपको नीम का पाउडर ऐड कर देना जो कि एक्ने से प्रोटेक्ट करेगा, साथ में स्कैल्प को डीपली क्लीन करेगा। उसके बाद हमें इसे करीब 10 मिनट के लिए ऐसे ही बॉईल करना है यानी कि इसे तैयार कर लेना है, और 10 मिनट बाद आप गैस को ऑफ कर दीजिए। जो भी इंग्रेडिएंट है वो अच्छे से इसमें मिल चुके हैं, और उसके बाद फिर मैंने इसे कूल होने के लिए गैस पे ही थोड़ी देर के लिए रख दिया था, एंड देन छन्नी से फिल्टर कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे कोई भी दुपट्टा या फिर कपड़े का भी यूज़ कर सकते हो, और जो भी इसके अंदर एलोवेरा के अंदर जो रस है यानी कि जो जेल है उसको इस तरीके से आप प्रेस करके अलग कर सकते हो, या जो भी इनके अंदर अभी ऑयल अंदर जा चुका है उसे भी आप निकाल सकते हो। और ये यहाँ पे हमारा न्यूट्रिशनल ऑयल रेडी हो चुका है। अब हम इसे किसी भी क्लीन एंड बिल्कुल ड्राई जार में फिल कर लेंगे। आप किसी बॉटल में भी फिल कर सकते हो जिसमें बिल्कुल भी पानी ना हो, और इस तरीके से आप स्टोर करके इसे आराम से रख सकते हो। जो भी इसमें नीचे जम गया था यानी जो नीचे इकट्ठा हो गया था उसे आपको सेपरेट कर देना है। वो नीम पाउडर है वो हमें अभी ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी इस तेल में मिक्स हो चुका है। तो इस तरीके से मैंने तेल को रेडी कर लिया है। अब जब भी आप अपने बालों पे इसे अप्लाई करते हैं थोड़ी सी क्वांटिटी अपने हैंड पे लेनी है, जिस तरीके से आप अप्लाई करना चाहो, चाहो तो स्कैल्प में अच्छे से मसाज कर सकते हो एक बाउल में लेके, या फिर इस तरीके से अपने बाल में लेके, और उसके बाद आप
दोनों हैंड का यूज करते हुए इस तरीके से आप फिंगर टिप्स के थ्रू मसाज कर सकते हो। बट जैसे भी अप्लाई करें, आप अच्छे से स्कैल्प के साथ साथ अपने हेयर पे भी अप्लाई करें। जैसा कि मैंने बताया कि एज अ कंडीशनर की तरह भी काम करेगा, इसमें हमने एलोवेरा यूज किया है। एलोवेरा का काम क्या होता है कि बालों को हाइड्रेट करे, जो भी टैंगल हेयर है या ड्राई फ्रिजी हेयर है उन्हें डीटैंगल करके अच्छे से मैनेज कर दे। यही काम कंडीशनर का होता है। तो आप चाहें तो एलोवेरा जेल यूज करें या फिर कंडीशनर का यूज करें। बाय द वे, तेल ही हम यूज कर लेते हैं क्योंकि एक ही तेल में बहुत सारे बेनिफिशियल हैं। तो अप्लाई करने के बाद बस एक घंटे के लिए ऐसे ही रखना है, उसके बाद आप अपने हेयर को वॉश कर सकते हो। और वॉश करने के बाद आपको टॉवल से वाइप करना है एंड देन बालों को ड्राई करने के बाद आप कॉम कर सकते हो। तो जैसे ही आप कॉम करोगे, आपको रिजल्ट अपने आप देखने को मिल जाएगा। आप जब बालों को सुलझा लोगे ना, बाल आपके बहुत ही सॉफ्ट एंड शाइनी नज़र आएंगे, बालों में अच्छा सा एक बाउंस भी नज़र आएगा और बाल बहुत ही बिखरे बिखरे खुले खुले नज़र आएंगे। तो ये तेल बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसे वीक में एक बार भी अपने बालों पे अप्लाई करते हो तो हेयर ग्रोथ में तो बेनिफिट देखने को मिलेगा ही, साथ में आपका हेयर फॉल भी रुक जाएगा और जो ब्रेकेज या फिर स्प्लिट एंड्स होते हैं वो भी कंट्रोल में आ जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत आसान ऑयल है, आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखें। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी रिजल्ट है वो आपके सामने है, बालों में कितना ज़्यादा वॉल्यूम लग रहा है और बाल घने घने दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ऑयल जिसे आप गर्मियों में अपने बालों पे अप्लाई कर सकते हो और कोई हेडेक नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली। सिर्फ आपको अप्लाई करने के बाद एक घंटे रखना, उसके बाद आप अपना हेयर वॉश कर सकते हो और फिर आप देखेंगे इसका मैजिक किस तरीके से आपके बालों में बेनिफिट्स को ऐड करता है। जरूर ट्राई करके देखें, प्रिपेयर करके रख सकते हैं। मैंने तो पूरे समर के लिए इसे प्रिपेयर करके रख लिया है, इसे ही मैं समर में अपने बालों पे अप्लाई करने वाली हूं। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। थैंक यू, लव यू ऑल।